हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे पूछूंगा, उसके बाद हम लोग आर्मी स्कूल के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्मड ऑफ। आपको बताना है कि ये कौन सा सॉयल या रॉक से मिलकर बना हुआ है। नीचे चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन चार में से कोई एक करेक्ट आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, देखिए अगस्त वाले जो करंट अफेयर्स है ना, वो मैंने आपको कंप्लीट नहीं कराया था, ये छूट गया था पूरा मंथ। तो अगस्त वाले करंट अफेयर्स को मैं सोच रहा हूँ कि बचे हुए एक दो दिनों में पूरा करा दूं। जिन लोगों ने नोट्स परचेज कर लिया है वो करंट अफेयर्स जो अगस्त का है वो ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे दी जाएगी। सिर्फ आप जो है मैसेज कर देना, अगस्त में समझ जाऊँगा आपको अगस्त की PDF चाहिए होगी। और जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिया वो 99 में मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है? हिरोशिमा डे, क्योंकि इसी दिन अमेरिका ने यहाँ पे न्यूक्लियर बम जो है दाग दिया था। और इसका नाम क्या था? एक पहले बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का जो नाम था वो था फैटमैन। याद रखिएगा, दो बम जो थे 6 और 9 अगस्त को, पाला 6 जिसका नाम था लिटिल बॉय और 9 अगस्त को जो बम फोड़ा गया था उसका नाम क्या था? फैटमैन। याद रखिएगा दोनों बम के बारे में, एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा जा चुका है। यहाँ से देख सकते हो आप, 3 डेज के बाद अनदर एक और बम नागासाकी में गिराया गया था। याद रखिएगा मैंने आपको जैसा बताया था, नागासाकी में ये फिर 3 दिनों के बाद यानी कि 9 अगस्त को गिराया गया था अगला बम। आगे देख लीजिए, पीएम मोदी इनोग्रेटेड एंड लेज फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ श्रीमद। देखिए यहाँ से आप देख पाओगे बहुत ही बड़े, बहुत बड़ा नाम है इनका, श्रीमद राजचंद्र मिशन में बहुत सारे ये शाखाओं को जो है यहाँ पे इसका जो है इनोग्रेशन करने वाले हैं मोदी जी। तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट में पड़ता है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या केरला में। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख पाओगे। पीएम मोदी ने जो श्री मद रामचंद्र का फाउंडेशन है जो बहुत सारे स्टेट ओपन करने वाले हैं, ये आपको मिलेगा। देखिए यहाँ कहाँ पे? गुजरात में। और इसकी जो खर्च है वो 300 करोड़ रुपये जो है इस पर लागत आएगी, कंप्लीट लागत 300 रुपये आएगी। और ये देख लीजिए, मोदी जी ने यहाँ पे जब स्पीच दिया तो उन्होंने कहा कि उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि महिलाओं को पावर दिया जाए कंट्री को और मजबूत बनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बात करेंगे इसरो टू लॉन्च इट्स स्मॉलेस्ट रॉकेट टू। देखिए इसरो से क्वेश्चन तो आता ही रहता है, तो अभी फिलहाल इसरो के जो करंट चीफ हैं उनका नाम बता दीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसरो का पूरा नाम मैंने पहले भी पूछा है, फिर से पूछ लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन यह है कि इसरो ने पहला सैटेलाइट लॉन्च कब किया था। चौथा क्वेश्चन, उस सैटेलाइट का नाम क्या था। नीचे कमेंट करके बताइएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता ही है। इसरो ने अपना सबसे स्मॉलेस्ट रॉकेट लॉन्च किया है सिर्फ और सिर्फ ये ट्राइकलर को अनफर्ल यानी कि तिरंगा को फहराने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। तो ये कब हुआ था? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या 8 अगस्त को। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ से देख लीजिए, ये 7 अगस्त को, और सबसे छोटा जो रॉकेट है आप यहाँ से देख पाओगे ये लॉन्च किया गया था कहाँ पर? स्पेस में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। US हाउस स्पीकर पॉलिसी मीट्स विच कंट्री PM। पॉलिसी जो है नैन्सी पॉलिसी, आपने इनका नाम सुना होगा, उन्होंने किस देश के PM से मुलाकात करी? इंडिया, जापान, कनाडा या स्पेन। तो यहाँ से इसका राइट आंसर आप देख पाओगे, इन्होंने जो है जापान से इन्होंने मुलाकात करी। और इन्होंने कहा कि हम लोग चाइना को जीतने नहीं देंगे। देखिए यही वो नैन्सी पॉलिसी है जिन्होंने ताइवान ये विजिट कर ली थी उन्होंने, क्योंकि उनको चाइना को थोड़ा सा जो है डिसएडवांटेज देना था, क्योंकि बार बार वो बोलते हैं कि चाइना बोलता है कि ये ताइवान मेरा या इंट्रीगल पार्ट है, इसलिए नैन्सी पेलोसी ने विजिट कर दिया ताइवान और बताया कि ताइवान इज़ अ ट्रू डेमोक्रेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि वो किस देश में गए थे, ये पूछा जाएगा कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर कौन है अभी के लिए। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ से आप देख पाओगे इनका वांग वू इनका नाम है, और इन्होंने बांग्लादेश को विजिट किया था। चाइना का अगला टारगेट बांग्लादेश है, ये सॉफ्ट लोन देकर इनको जो है डेप्ट ट्रैप में फंसाने वाला है, लेकिन बांग्लादेश ने लोन को नो कर दिया है, करंट वाले डेवलपमेंट में नो कर दिया है। इनमें से कौन सा कंट्री जनरल इलेक्शन जो है एक ही फेज में नवंबर 20 नवंबर को ये कराने वाला है, ये कौन सा देश है? बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान नहीं, श्रीलंका नहीं या नेपाल? श्रीलंका नेपाल में से कोई राइट आंसर होगा, यहाँ से आप देख लो। नेपाल जो है एक बार में ही, एक ही फेज में जो है पूरा इलेक्शन कंप्लीट कराएगा 20 नवंबर को। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2 नवंबर को, यानी कि 18 दिनों के बाद यहां पे इलेक्शन हो जाएंगे। रिसेंटली हु विंस इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन पैरा
पावर लिफ्टिंग इन द कॉमनवेल्थ गेम। देखिए कॉमनवेल्थ में पैरा जो पावर लिफ्टिंग है उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था? जयदीप देसवाल ने, यहाँ से देख सकते हो फरमान बासा ने, या फिर सक्षम यादव ने, या फिर सुधीर ने। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ से आप इसकी फोटो देख पाओगे, सुधीर की फोटो आपको दिख रही होगी। सुधीर ने गोल्ड मेडल जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग में, ने जीता नहीं, इनको रिस्पेक्ट के साथ मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने जीता है, हमारा नाम रोशन किया इन लोगों इन्होंने। यहाँ से देख लीजिए इनको टोटल पॉइंट मिले थे 134.5 और इनका सेकेंड अटैम्प्ट था जहाँ पे उन्होंने 212 केजी को लिफ्ट किया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया टू टेक एन ऑन विच कंट्री टू इन फाइनल। देखिए SAFF अंडर 14 जो चैंपियनशिप हुआ था उसमें हम लोगों ने किस देश से भारत जो है भिड़ेगा फाइनल में? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान या श्रीलंका? यहाँ से आप इसका राइट आंसर देख पाओगे, ये बांग्लादेश के खिलाफ भिड़ेगा और हम लोगों ने ये जीता भी था। आगे बढ़ेंगे, विच कंट्री अंडरकट सऊदी ऑयल इन इंडिया एज अ कंपटीशन हीट्स अप, यानी कि हीट्स अप का मतलब हो गया कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन बढ़ने के बाद सऊदी अरेबिया से हम लोगों ने तेल लेना बंद कर दिया है। तो हम लोग किस देश से तेल लेने वाले हैं? यहाँ से देख लीजिए, चाइना, यूक्रेन, ईरान या फिर रसिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा रसिया। अंडरकट सऊदी ऑयल इन इंडिया, यानी कि रसिया जो है ये सऊदी का जो है इंडिया में जो है तेल ये कट कर दिया। यहाँ से आप देख पाओगे चीज़ों को, ये एक्चुअली क्या करते हैं, देखिए जो ओपेक कंट्री है ना, ये सारे कंट्री मिलकर क्या करते हैं, ये तेल का दाम एक साथ मिलकर बढ़ा लेते हैं। जितने भी तेल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है सारे लोग मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और तेल की प्राइस जो है हाई कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंट्रीज पेपल, देखिए आपको बताना है, एक ऐप का नाम है याहू बैंस कॉस्ट क्लाउड ओवर टेक हब ड्रीम, यानी कि इन्होंने क्लाउड ड्रीम पे याहू ने जो है बैन लगा दिया है, आपको बताना किस देश के? चाइना, फ्रांस, डेनमार्क या इंडोनेशिया? तो इसका राइट आंसर यहां से देख पाओगे, इंडोनेशिया ने जो है ये काम किया है। पेपल देखिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा भेज पाते हो, जैसे आप फोनपे से पैसा भेजते हो, गूगल पे से पैसा भेजते हो, उसी तरह से पेपल जो है आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा भेजने के लिए इसका आप यूज कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे, चलिए देख लेते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो सुरेश एन पटेल इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द US सेनेट अप्रूव्स, देखिए US में जो है सेनेट बोला जाता है और दूसरे वाले को कांग्रेस बोला जाता है, अप्रूव किया है इन्होंने टू कंट्रीज जिनको जो है ये नाटो ज्वाइन कराने वाले हैं, तो एक है फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन। रिसेंटली इंडिया विल बी द पार्ट ऑफ मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक, मैंने आपको देखिए पढ़ाया भी होगा, पिच ब्लैक जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं और ये दो साल में ये एक बार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिच ब्लैक, याद रखिएगा। जाते जाते फिर से बता दूं, 99 में आप अगर आखिरी समय में नोट्स पढ़कर उलट पुलट कर एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हो तो yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे।